आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्य। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा ने टेंपल सिटी के नाम से अपनी विशेष पहचान बनाई है। आपको बता दें कि इस शहर को शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। ये वही शिवरी नारायण नगर है जिसका वास्ता भगवान राम जी के वनवास काल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश के धार्मिक पहलू से पहचान रखने वाले सोरी नारायण मंदिर की अपनी अलग ख्याति बनी हुई है। इस पावन धरा पर मकर संक्रांति के पूर्व संध्या तथा मकर संक्रांति के रोज मेले जैसा माहौल होता है। यह तो सर्वविदित है कि मकर संक्रांति का महापर्व भक्ति स्नान दान पुण्य के नाम से जाना जाता है, जिसके चलते यहां जिला ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी श्रद्धालु विभिन्न माध्यमों से पहुंचते हैं। इन्हीं कारणों से यहां कुछ रोज तक मेले का आयोजन चलता है। यहां के पुण्य सलीला नदी में मकर संक्रांति पर स्नान ध्यान करने की पुरानी परंपरा का निर्वहन करने के लिए सालों से भक्त यहां पहुंचते रहे हैं। यहां स्पष्ट कर दे कि ये पावन धरा वही स्थान है जहां प्रभु श्री राम के अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहां पहुंचने की पुरातन बातें तथा कथा किस्सा में लोगों के द्वारा सुनी सुनाई जाती हैं। आज मकर संक्रांति के पर्व पर टेंपल सिटी शिवरी नारायण क्षेत्र में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। यहां जिले से ही नहीं अन्य जिलों से भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु पावन नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। एक बात और यहां गौर करने लायक है कि यहां बहने वाली नदी संगम स्थल के रूप में आगे जाकर परिवर्तित हो जाती है, इसलिए भी यहां बह रही पावन सलीला में श्रद्धालु संपूर्ण श्रद्धा के साथ डुबकी लगाने से नहीं चूकते। जांजगीर चांपा से संवाददाता महेश शुक्ला की रिपोर्ट। से आए हैं सौरी नारायण दर्शन करने, राम जानकी के, सौरी माता का और महानदी में मकर स्नान करना। सब लोग आए हैं, यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से स्नान के हाँ हर वर्ष आते हैं और स्नान करके दर्शन करके फिर यहाँ से जाते हैं। निवारी मल्हार से आई हूँ। यहाँ हम लोग हर वर्ष मकर नहाने आते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ राम जानकी का मंदिर में दर्शन करते हैं, पहले यहाँ पे नदी में स्नान करते हैं, उसके बाद फिर मंदिर जाके राम जानकी का हर वर्ष दर्शन करते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे शांति का माहौल भी है, भीड़ बहुत है, लोग दूर दूर से यहाँ पे नदी को देखने और इसकी महिमा के कारण यहाँ पे लोग दूर दूर से यहाँ पे स्नान करने आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करके सबरी माता का और राम जानकी के मंदिर का दर्शन करके फिर मकर स्नान करके चले जाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.